नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार और बिहार की राजनीति को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच में 2024 की तैयारियां भी बहुत जोर शोर से चल रही है। इन तैयारियों में हर गठबंधन और हर दल जिसकी जहां सरकार है वो अपने हिसाब से 2024 से पहले अपने क्षेत्र की जनता को, अपने राज्य की जनता को ये दर्शाना चाहते हैं कि वो कितना काम कर रहे हैं और आगे उनकी रणनीति क्या है। इन सारी समस्याओं और सारी बातों के बीच एक चर्चा और जबरदस्त ढंग से चल रही है कि क्या बिहार से जो देश भर में एक गठबंधन बनाने की शुरुआत हुई है वो गठबंधन अस्थायी रहेगा। इसके साथ साथ ये भी चर्चा हो रही है कि क्या इस गठबंधन के बनने के बाद बिहार में जो सरकार चल रही है महागठबंधन की वो स्थिर रह पाएगी, क्योंकि बार बार ये चर्चाएं आ रही हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, ये भी कहा जा रहा है खिड़की खुली रखे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल भी अपने लिए खिड़की खोल रहा है, जो आगे आकर के नीतीश कुमार से अलग होना पड़े तो क्या किया जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे भी खोलने की कहा जा रहा है कि अब जुगाड़ में लग गई है राष्ट्रीय जनता दल। 2017 में भी इसी तरह की बातें हुई थी, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने रातों रात फैसला लिया, तब अरुण जेटली थे। अब नितिन गडकरी एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और उनसे मुलाकात कई मायनों में कई तरह की होती है। पहला तो ये कि क्या नितिन गडकरी से मुलाकात विशुद्ध राजनीतिक मुलाकात थी या व्यक्तिगत मुलाकात थी। चर्चाएं हैं, चर्चाएं तो चलती ही रहेंगी। तेजस्वी यादव दिल्ली में है और वो नितिन गडकरी से मुलाकात किए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार के बिना दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से मुलाकात करना एक क्राइम की तरह होता है। सुनील सिंह को आप देख ही रहे होंगे किस तरह से सुनील सिंह मुलाकात करने गए थे, उनका सरकारी कार्यक्रम था, उनके अपने कहा जा रहा है कि समिति का कार्यक्रम था, उसके बाद भी उनके तस्वीर के वायरल होने के बाद कई तरह की बातें सामने खड़ी हो गई। अब जब तेजस्वी यादव और नितिन गडकरी की मुलाकात हो रही है तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाएगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है, इसके क्या मायने निकलते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ संपादक नमन मिश्रा जी जुड़ गए हैं, अभी सुपौल में हैं। आपको पता है कि लगातार वो सुपौल से खबरें भी भेज रहे हैं और सुपौल में आने वाले 2024 के चुनाव की तैयारियों के लिए वो मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल के क्षेत्रों में दौरे पर हैं। उनसे हम बातचीत करके इस विषय पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके मायने क्या होंगे। नमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी वाह, आप लगातार सीमांचल के क्षेत्र में हैं। पहले तो ये जानना जरूरी है कि कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में 2024 के चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं, और इसके साथ साथ ये भी सवाल आप जरूर बता दीजिएगा कि नीतीश कुमार को छोड़ करके तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं और नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात हो रही है। देखिए बाबा, सबसे पहले तो सीमांचल के इलाकों में असली लड़ाई यही है। जी, असली लड़ाई यही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि एक बात समझ लीजिए आपकी, जो इंडिया और एनडीए है जी, ये आपस में कोई भी रास्ता एक दूसरे को कमजोर करने का छोड़ेंगे नहीं जी। लेकिन जहां कई जगहों पर इंडिया का वोट बैंक एनडीए से काफी बड़ा है जी, वहीं इन इलाकों में बहुत ही ज्यादा है जी। वो डिफरेंस जो इंडिया और एनडीए के बीच है जी, वो इन इलाकों में आसमान और जमीन जैसा है जी। जी, यहाँ अल्पसंख्यकों की बड़ी जनसंख्या है, पिछड़ा समाज अच्छा खासा है यहाँ जी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो फैक्टर इस लड़ाई को महत्वपूर्ण बनाता है जी और बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है, एग्जैक्ट बराबर पर जी, वो ये है कि इन क्षेत्रों में जहाँ अल्पसंख्यक ज्यादा है जी, वही अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को प्रभावित करने वाली लोकल पार्टियां जी या नॉन इंडिया पार्टियां जी ज्यादा है जी। जी, लोकल लेवल पर कई तरह की जो राजनीतिक समीकरण है जी, उनको प्रभावित करते हैं हैदराबाद के नेता, तेलंगाना के नेता जी। उन नेताओं में जैसे ओवैसी एक बड़े नेता है जी, उत्तर प्रदेश की मायावती एक बड़ी नेता है जी, वो भी प्रभावित करती है इधर की राजनीति को जी। इस तरफ की राजनीति को ओवैसी का गढ़ कहा जाता है जी। अब ओवैसी किसके वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे ये तो बताना मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है यहाँ जी। जी, इसलिए ये क्षेत्र एक तरह से निर्णायक होगा। 2024 की लड़ाई है उसमें 40
38 35 दावे कर रहे हैं दोनों तरफ से, जी उसमें कहानी को ये पलट देगा। जी अब बात तेजस्वी यादव की करते हैं। जी तेजस्वी यादव के बारे में आपने कहा कि वो एक तरफ तो जो लगातार एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है बिहार में कि जंगल आ जंगल आ जंगल आ, जी उस नैरेटिव को वो ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जी इतना आसान तो नहीं होगा क्योंकि जी आज का बैगेज है नहीं। लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को सामने बैठा करके नीतीश कुमार आज भी वो बात कहते हैं 2005 से पहले कैसा जी बिहार था। जी जी तो जब आपके साथ ही बैठा हुआ व्यक्ति आपको कमजोर कर देता है तो जी आपके लिए संभावनाएं तो बहुत कम बन जाती है ना। जी रावण को इतना आसान नहीं था हराना, लेकिन जी विभीषण ने उसे कमजोर कर दिया, जी उसकी सारी जो कमियां हैं उसको सार्वजनिक करके। कालांतर जी में हमने देखा था कि इतने कॉन्शियस हो गए थे इन चीजों को लेकर तेजस्वी यादव जी कि उन्होंने माफी तक मांग ली थी एक बार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल और जो परिपाटी रही है राजद की, उस परिपाटी से भी अलग हट गए थे, राजनीतिक जी परिपाटी ए टू जेड की बात कर लेंगे। जी जी आज पुनः उन्हें उसी समीकरण पर क्यों जाना पड़ा? दरअसल जाना इसलिए पड़ा क्योंकि इस समीकरण में ही उनकी जीत लिखी हुई है। जी और दूसरा, नीतीश कुमार के खिलाफ भी एक तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी लागू हो रही है। जी जी नीतीश कुमार इस इनकम्बेंसी को थोड़ा कम कर देते हैं सरकारें पलट कर बीच में अंतरिम, जी जी लेकिन नीतीश तो कॉन्स्टेंट है ना, जी जी तो बिल्कुल उनके खिलाफ एक गुस्सा है सभी समाज में, चाहे जी वो राजद का वोटर हो, चाहे वो MY हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे उन्हीं की जाति का हो, जी जी कुशवाहा और सम्राट चौधरी की वजह से, RCP की वजह से उनकी जाति के लोग भी उनके खिलाफ जा रहे हैं इस बार। जी तो नीतीश तो कमजोर है, और नीतीश कर क्या रहे हैं कि कमजोर व्यक्ति, स्कूल में आप हमेशा पढ़ते होंगे बाबा, तो बताता जी होगा टीचर, एक बात जरूर बोलता है टीचर हमेशा, जी ये तुम बातूनी के साथ बैठेगा तो तुम भी कमजोर हो जाएगा, जी पढ़ने वालों के साथ बैठोगे तो पढ़ने वाले बन जाओगे, तो जी भूसखोर के साथ बैठोगे तो भूसखोर हो जाओगे। नीतीश अब बिहार के भूसखोर विद्यार्थी हो गए हैं, जी ये मान्य तौर पर है, इसमें उसमें कोई मतलब लाग लपेट नहीं है। जी ये बिहार के किसी भी गली चौराहे की चर्चा है, पूर्णिया में भी चाय पानी पीने रुक जाइए कहीं, जी ये चर्चा आम है कि तेजस्वी को भी कमजोर कर रहे हैं नीतीश कुमार, ऐसी परिस्थिति है। एक जी होनहार विचार विद्यार्थी भी कमजोर हो रहा है, ऐसे में तेजस्वी हाथ पांव मारेंगे ना। बिल्कुल दिल्ली जाना, उनका केंद्रीय भाजपा के बड़े मंत्री से मुलाकात करना, अब उस मंत्री की चर्चा ये है कि जो उनसे मिलता है वो उन्हीं का हो जाता है, जी। हाँ हम नितिन गडकरी की बात कर रहे हैं। हाँ मुरीद बना, वैसे तो मुरीद बना लेते हैं अपना हाँ वैसे तो पूरे बिहार और देश भर के लोग उनसे मिलते हैं, विपक्ष के लोग मिलते हैं, सबकी इच्छा भी पूरी करते हैं वो। जी। लेकिन हाल में बिहार सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट्स जो चुनाव को लेकर, 2024 के चुनाव को लेकर बनाए थे, उन प्रोजेक्ट्स में केंद्र का एक बड़ा सहयोग है, और उसमें समुचित काम हो जाए, वक्त पर काम हो जाए ताकि उसका प्रमोशन हो सके, ये तेजस्वी सुनिश्चित करना चाहते हैं। साथ ही तेजस्वी भी दिखाना चाहते हैं कि मैं काम के चक्कर में ही व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है ये नैरेटिव जो गढ़ा हुआ है कि जंगल आज और ये सत्ता की कुर्सी प्राप्त करना और मुख्यमंत्री बनना है, मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूँ। जी और रातों रात वो निकल जाते हैं गडकरी से मुलाकात करने के लिए। दरअसल देखिए, उनकी मुलाकात राजनीतिक भी है, जैसे जी नीतीश कुमार चले जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के शांति स्थल पर, जी उनसे पुष्प अर्पित करने, उनको एक जमाने बाद उनसे मुलाकात करने, सेम उसी तरीके से नीतीश कुमार भी, जैसे नीतीश कुमार ने किया उसी तरीके से तेजस्वी यादव भी भाजपा के नेता से मिलकर नीतीश को इस बात का एहसास करा सकते हैं कि ऑप्शन आप ही के पास नहीं है, हम भी खेल सकते हैं आपका नमन वोट। जी, नमन जी यहाँ थोड़ा सा रोक करके मैं दो तीन बातें हैं जिसको बताना चाहूंगा, इसके बाद आगे हम इस पर बात करेंगे। कि सबसे पहले तो ये चर्चाएं हैं और तेजस्वी यादव नितिन गडकरी मुलाकात पर कहा जा रहा है कि प्रस्तावित जो योजनाएं हैं अब तक लंबित हैं उस पर चर्चा होगी। जेपी सेतु के समानांतर एक पुल बनाने की जो बात चल रही थी उस पर बात होगी। भारतमाला प्रोजेक्ट है उसको लेकर के बात होगी। और इतना ही नहीं, अनीसाबाद से दीदारगंज के बीच एक एलिवेटेड सड़क की बात हो रही है क्योंकि जाम बहुत ज्यादा रहता है, उस पर बात होगी। लेकिन इन सारी बातों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपने अभी अभी बताया है कि अटल बिहारी वाजपेयी को जाते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, तो वहीं सुनील सिंह जाते हैं
हैं और अपने सहकारिता के कार्यक्रम में जब गृह मंत्री अमित शाह को के साथ फोटो खिंचवाते हैं तो उसको लेकर के यहाँ बिहार में, खास करके अगर नीतीश कुमार बिल्कुल नीतीश कुमार काफी नाराज हो जाते हैं, तस्वीर दिखा करके मीटिंग में कहते हैं कि तो उनसे मिलते रहते हैं, ये सारी बातें होती हैं क्या तेजस्वी यादव का मिलने से चौधरी, डॉक्टर सुनील, अभिषेक झा, सभी एकदम झुंड बनाकर हमला करने लगते हैं सुनील सिंह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश पर कोई कुछ नहीं बोल सकता है, ना राजद बोल सकती है ना कोई और। देखिए सच्चाई यही है कि आपने कहा कि जो भारत माला प्रोजेक्ट जी, जो नेपाल से जोड़ेगा बिहार को जी, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें देरी आ रही है जी, उसमें गांधी सेतु के पैरेलल एक पुल बनेगा तभी वो कम्प्लीट हो पाएगा जी जी और वो मामला रुका हुआ है, तो उस मामले को भी बढ़ाने के लिए आगे बात हो रही है। फिर जो एलिवेटेड कॉरिडोर आपने बताया उसकी बात चल रही है, फिर ऐसी चीजें हैं जो विभिन्न जगहों पर बिहार में प्रस्तावित है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो गडकरी से मिलकर ये एक पंथ दो काज तो वो कर ही रहे हैं जी, लेकिन एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास कराया जा रहा है कि अगर आप ये खेल खेल सकते हैं तो हम भी इस खेल में आपको बराबरी दे सकते हैं। जी तौर पर राजद राजद भाजपा के साथ नहीं जाएगी जी, ऐसी संभावना दूर दूर तक नहीं है, लेकिन नीतीश भी भाजपा के साथ नहीं आ पाएंगे ये भी लगभग प्रबल है। जी तो नई राजनीतिक संभावनाओं की तरफ बिहार बढ़ रहा है, नए दलों को बिहार में राजनीति करने का मौका मिल सकता है। जी शायद प्रशांत किशोर के प्रति जब मैं बोलता हूँ तो मेरी भी भावना उसी से जुड़ जाती है जी, मैं चाहता हूँ कि वो भी एक राजनीतिक विकल्प लेकर आए, ना कि ये दुकानदारी चलाए। इस मामले में कहीं ना कहीं चिराग पासवान बेहतर काम कर रहे हैं, जी आगे चल के उनको रास्ता मिल सकता है। तेजस्वी भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार समय बर्बाद कर रहे हैं महागठबंधन का, उसी तरीके से इंडिया का, वैसे ही तेजस्वी यादव भी बिहार में लगभग घूम फिर कर वही काम कर रहे हैं जी, मुकेश सहनी भी लगभग उसी काम में लगे हुए हैं, लगातार भीड़ बढ़ना। चलिए नमन जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम चाहेंगे कि बहुत जल्द आप पटना लौटिए और लौटने के बाद जो आपके रिसर्च हैं, जिस तरह से लोगों ने से आपने बात की है अलग अलग मुद्दों पे, वो सब कुछ बिहार की जनता के सामने सार्वजनिक हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।